हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाइना, जिसे हम लोग हिंदी में लकड़बग्घे के नाम से जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे हाइना जो है कहाँ पाया जाता है, उसकी क्या खासियत होती है और वो कैसे वातावरण में रहने के लिए अनुकूल होता है तथा वो अपना शिकार कैसे करता है। तो आज इन सभी जानकारियों को हम आपसे साझा करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले हाइना, जिसे हम लोग हिंदी में लकड़बग्घा के नाम से जानते हैं। बात करें इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, उसे हम लोग हाइनेनिडी के नाम से जानते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, यह भारत में अरब प्रायद्वीप में टर्की, भारतीय उपमहाद्वीप आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। जब कभी भी ये शिकार करते हैं या शिकार करने के निकलते हैं, तब ये झुंड में ही निकलते हैं। लकड़बग्घा जो कि ये हाइनेनिडी कुल से संबंधित एक मांसाहारी स्तनधारी जीव होता है। इसका प्राकृतिक आवास एशिया या फिर अफ्रीका या फिर महाद्वीपों में होता है। वर्तमान काल में इसकी निम्न चार प्रजाति पाई जाती हैं जो कि अस्तित्व में हैं, जैसे धारीदार लकड़बग्घा, भूरा लकड़बग्घा, धब्बेदार लकड़बग्घा तथा कीड़बच्ची लकड़बग्घा। जबकि आज इनकी जो है केवल चार ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बाकी प्रजातियाँ जो है धीरे धीरे समय के साथ, जैसे जैसे पर्यावरण में या वातावरण में परिवर्तन हुआ, इनकी प्रजातियाँ धीरे धीरे लुप्त होती गई और आज केवल चार ही प्रजातियाँ बची हुई हैं। अगर हम इनके गति की बात करें तो इनके जो गति होते हैं, नियरली अबाउट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं, जबकि जो चीता होता है वो नियरली अबाउट 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। इनका जो परिवार होता है उसे जॉन एडवर्ड ग्रे 1821 के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम इनके वेट की बात करें तो इनका जो वेट होता है, जैसे चीतेदार लकड़बग्घा होता है उसका जो वेट होता है वो 44-64 kg होता है, जबकि आपका धारीदार जो लकड़बग्घा होता है उसका जो वेट होता है वो 22-55 kg के अंतर्गत आता है, जबकि जो भूरा लकड़बग्घा होता है उसका जो वेट होता है वो 40-44 kg के अंतर्गत आता है। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जो जीवन काल होता है, जैसे चीतेदार लकड़बग्घा हो गया तो उसका जो जीवन काल होता है नियरली अबाउट 12 ईयर होता है, और जो धारीदार हो गया जैसे, तो उसका जो नियरली अबाउट होता है वो भी नियरली अबाउट 12 ईयर होता है। तो इनकी जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं उनका जो एवरेज लाइफ टाइम ईयर होता है वो नियरली अबाउट 12 ईयर के करीब में ही सबका होता है। अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो इनकी जो हाइट होती है वो 70-92 cm के एवरेज में सभी लकड़बग्घे की हाइट होती है। जैसे हम बात करें चीतेदार या फिर धब्बेदार लकड़बग्घा की, तो इसे हम लोग हंस लकड़बग्घा भी कहते हैं। हालांकि निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार के कारण सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी प्रजातियों की उत्पत्ति एशिया में हुई थी और एक बार पूरे यूरोप में कम से कम 1 मिलियन वर्षों तक लेट प्लेस्टोसीन के अंत तक रहा, और देखा गया कि यहाँ पे लकड़बग्घा का सबसे बड़ा ज्ञात सदस्य है और इसे आगे शारीरिक रूप से अन्य प्रजातियों से अलग रखा जाता है। इनकी अस्पष्ट द्वारा वाहन की तरह निर्माण, इनके गोल कान, प्रमुख आयल, अपने धब्बेदार खाल, इनके अधिक दोहरे छिद्रित दांत, इनके कम निप्पल्स तथा स्पॉटेड हाइना कार्निवोरा का सबसे सामाजिक प्राणी है। इनके सामाजिक संगठन किसी अन्य मांसभक्षी के हैं, या सिरकोपिथेसिन एथा तथा मैका क्वीन दोनों परिजनों तथा संबंधित समूह के साथियों के बीच समूह आकार, सोपानिक संरचना तथा सामाजिक संपर्क की आवृत्ति के संबंध में रहते हैं। हालांकि इनकी सामाजिक प्रणाली सहकारिता के बजाय खुले तौर पर प्रतिस्पर्धी रहती है, जबकि चित्तीदार हाइना सामाजिक मातृसत्तात्मक होते हैं और मादाएं जो होती हैं वो नर से बड़ी होती हैं तथा उन पर हमेशा हावी होती हैं। अगर हम बात करें ब्राउन हाइना की, यानी भूरा लकड़बग्घा की, तो इन जो ब्राउन हाइना होता है, जिसे हम स्टैंड वुल्फ के नाम से जानते हैं, या नमीबिया, बोत्सवाना, पश्चिमी तथा दक्षिणी जिम्बाब्वे, दक्षिणी मोजाम्बिक तथा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले हाइना की एक प्रजाति है, या वर्तमान में हाइना की सबसे दुर्लभ प्रजाति है, जो समय के परिवर्तन के साथ साथ या वातावरण में बदलाव के साथ साथ धीरे धीरे ये प्रजाति लुप्त होने के कगार पे हैं। अगर हम बात करें इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम की, तो इसे हम लोग हाइना ब्रूनिया के नाम से जाना जाता है। इनकी भी हाइट लगभग 70-80 cm होती है और यह 86-140 cm की लंबाई के करीब होते हैं
और इनका भी वेट नियरली अबाउट 40 to 44 kg के, तथा जो मादाएँ होती हैं उनका जो वेट जो होता है वो 38 to 40 kg के नियरली अबाउट होता है। अगर हम बात करें धारीदार हायना की, तो जो धारीदार हायना होता है इसे हम लोग रेरा हायना के नाम से जाना जाता है। यह सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है या उत्तर और पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व, काकेशस, मध्य एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हायना की ही एक प्रजाति होती है। इनका जो पोषक स्तर होता है उसे हम लोग ओमरी ओरस के नाम से जानते हैं। समय तथा वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे जंगलों की कटाई हो रही तथा वनों की कमी हो रही, ये भी एक संकटग्रस्त प्राणी बने हुए हैं। इनका जो वेट होता है वो नीले और 22 to 55 kg के अप्रॉक्स में होता है। इनका भी जीवन का नीले अबाउट 12 ईयर होता है तथा इनकी जो हाइट होती है वो नीले अबाउट 60 to 18 cm के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें कीड़बची लकड़बग्घे यानी कीड़बची हायना के बारे में, तो इनकी अभी जो स्थिति है, इनकी जो संख्या वो अभी काफ़ी है, तो ये संकटग्रस्त प्राणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इनका जो पोषक स्तर होता है वो मांस भक्षी होता है, ये केवल मांस ही खाते हैं। यह पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इनका वेट नियरली अबाउट 7 to 7.9 kg के अप्रॉक्स होता है। इनकी हाइट भी 17 cm होती है तथा इनका जो गर्भधारण की अवधि होती है वो 91 days होती है। तो ये थी हायना के बारे में फुल जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो थम्सअप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।